साधे सब साधे, लेकिन कुछ करने के बगैर नहीं, कुछ करना है। कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, इधर बैठो, खाना खा लो, रस्ते पर जाओ, एक दिन, और वो भी एक घंटे में एक व्यक्ति, एक एक बूंद इकट्ठा करो, रात तक ग्लास भर जाएगा। एक घंटे में 60 मिनट है, 60 लोगों को दे सकते हो, नहीं इतना नहीं हो सकता है। एक घंटे में एक व्यक्ति को, किसी को देखते ही शिव बाबा ये आपका विचार है, इसका कल्याण करो। और एक इसके बाद कुछ काम करो, भूल गए, एक घंटे के बाद फिर याद आया, शिव बाबा ये आपका विचार है, बहुत दुख देता है, लेकिन आपका विचार है, आप इसको सदा सुखी, इसका कल्याण करो, है ना। शिव बाबा ये बहुत दुखी है, इसको सदा सुखी बनाओ, इतना ही करना है। किसी पर नजर गई, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बहुत दुख देता है, मेरा बेटा कहेंगे आपका बेटा है, शिव बाबा ये आपका बेटा है, इतना सहज राज योग है। अगर आप माता जी कहते भाई जी मैं घर में अकेले रहती हूं तो मैं किसको दे दूं, मेरे सामने कोई नहीं आता, तो क्या करेंगे? हाँ, घर में सामने कोई नहीं है, घर में खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगाते हो, किसी किसी की याद आती है, हाँ देखो उस माता जी ने 1 साल पहले बहुत दुख दिया था, हाँ दिया था जरूर, शिव बाबा वो आपकी बच्ची है, रावण की बच्ची नहीं, आपकी है, आप उसको सुधारो, आप उसको शांति दे दो, है ना। बाबा को बताएंगे ना, सामने नहीं, मन ही मन में उनके प्रति शुभ सोचो, इसको मनसा सेवा कहते हैं। सामने दिखाई नहीं देता, अगर सामने कोई दिखाई दिया, चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे मित्र हो, चाहे छोटा बच्चा हो, पति हो, कभी भी मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, तो अगर आपका पति है तो आप करो, अगर आपका बेटा है तो आप ठीक करो, मेरा कहते ना बाबा मेरा बेटा है, आप ठीक करो, नहीं मेरा शब्द नहीं, शिव बाबा के बच्चे, है ना। ये शब्द याद रखना, आंखों के सामने आया, रास्ते पर चलो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, किसी की याद आती है, चलते फिरते भी निरंतर कर सकते हो, कम से कम 1 घंटे में 1 घंटे को दे दो, आज एक ही दिन, कल नहीं चाहिए, एक दिन करके देख लो